मंडला जिले की निवास तहसील के ग्राम इमगवा के पोषक ग्राम कुमनेर में ग्राम के कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम की महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया है और वे लगातार विरोध कर रही हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं निवास मुख्यालय पहुंची, जिन्होंने एसडीएम एवं थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम कुमनेर में लगभग 750 की आबादी है। यहां ग्राम के कुछ लोगों द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिनकी चपेट में बच्चे युवा भी आ रहे हैं, जो शराब पीकर घर पर गाली गलौज गृहस्थी के उपयोगी सामान की तोड़फोड़ करते हैं। इससे परेशान होकर ग्राम की महिलाओं ने एक संगठन तैयार किया। विगत दिवस एक मीटिंग भी रखी गई, जिसमें निवास थाना प्रभारी को भी बुलाया गया और सार्वजनिक सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अब हम इस कारोबार को बंद कराकर ही दम लेंगे। महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शराब की बिक्री बंद नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेगी। कि दारू बंद होना चाहिए ताकि हमारे बाल बच्चे भी बर्बाद ना हो और हम हमारा घर सक्षम रहे। प्रशासन अगर इस तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके लिए आप क्या आंदोलन करेंगे? उसके लिए हम यहाँ से प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। मंडला जा सकते हैं, एसपी सर के पास जौलपुर भी जा सकते हैं। ग्राम घूरने से कुछ महिलाओं का समूह आया हुआ था एटीएम साहब के पास, जो नशा मुक्ति को लेकर के अभियान छेड़े हुए थे, जिनके द्वारा शिकायत की गई है किस प्रकार से कोई अवैध शराब विक्रय करता है, निर्माण करता है, तो उस पर कार्रवाई करें। तो लगातार पुलिस से इस संबंध में कार्रवाई कर रही है। अगर कोई अवैध शराब का निर्माण होता है या बिक्री होती है, कोई उद्यम करता है शराब पीकर, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। निवास से रोहित चौकसे की रिपोर्ट।